नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिम किसके नाम पे है, किसके नाम पे सिम कार्ड है, ये आप मिनटों में पता कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ये वीडियो एजुकेशन परपज से है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसके नाम पे सिम है, ये पता आप घर बैठे कर सकते हैं मिनटों में। अभी तक अगर आपने इजी कैश पैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपका सिम एयरटेल का है और आप पता करना चाहते हैं कि किस नाम से सिम है, तो ये आप पता कर सकते हैं मिनटों में, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एयरटेल थैंक्स ऐप। ये एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको, जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन जब एयरटेल थैंक्स ऐप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आसानी से जान सकते हैं कि ये आपका सिम जो है किस नाम से है, ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करके लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहां पे एक प्रोफाइल का पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में एक आपको प्रोफाइल का पिक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। बाएं साइड में एक प्रोफाइल का पिक्चर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे हैं मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज के जस्ट बगल में बाएं साइड में एक आपको प्रोफाइल का पिक्चर है, सेम यही फॉलो कीजिएगा ताकि आप आसानी से जान सके कि आपका सिम किस नाम से है। ये आसानी से आप जान सकते हैं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। और मैं आपको बता दूं कि एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से ये आसानी से आप जान सकते हैं कि आपका सिम किस नाम से है, ये आसानी से आप जान सकते हैं। तो इसके लिए जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंटरफेस आने के बाद लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल का पिक्चर है, प्रोफाइल के पिक्चर में आप क्लिक कीजिएगा। यहां पे देख लीजिए बायां साइड में प्रोफाइल का पिक्चर है, इसमें से कुछ भी गलती आपको नहीं करना है, प्रोफाइल पिक्चर में ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रेड मार्क करके दिखा देता हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये प्रोफाइल का पिक्चर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्रोफाइल का पिक्चर है, पिक्चर पे मैंने अभी क्लिक किया है, प्रोफाइल पिक्चर में जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे मैं आपको अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अकाउंट्स का एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पे जो भी नाम से आपका मोबाइल सिम रहेगा वो नाम यहाँ पे पूरा का पूरा नाम यहाँ पे शो कर देगा और अपना आपका मोबाइल नंबर भी शो कर देगा। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका सिम किस नाम से है, यहाँ पे नाम भी आएगा और मोबाइल नंबर भी आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिम किस नाम से है, किसके नाम पे है, ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।